हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहें। मदन जी और निर्मला जी भी शाम की पार्टी में बहू के मायके पहुंचे ही थे। अभी वह लोग दरवाजे पर ही थे तो बहू ने उन्हें देखते ही दरवाजे पर दंदनाते हुए आई और बोली, अरे रे रे, कहाँ चले आ रहे हो दोनों? मदन जी बोले, बहू, हमें तो समधी जी ने बुलाया है पार्टी में। क्या दिमाग खराब हो गया है? इस आलीशान पार्टी में वह भी तुम जैसे भिखारियों को शक्ल देखी है अपनी? पूरे के पूरे भिखारी लग रहे हैं, ना ढंग के कपड़े पहने हैं और ना ही इससे पहले कि पापा यहाँ आए या कोई और तुम लोगों को देखकर हमारा भी अपमान करे, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। प्रीति ने उन्हें चौखट पर से ही धक्का देते हुए कहा तो बेचारी निर्मला जी लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी। मदन जी ने निर्मला जी को उठाया और बोले, माफ करना बहू, हम ही अपनी औकात भूल गए थे। इतना कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई और वापस घर की ओर चल पड़े। रिक्शे में बैठे दोनों की आंखें लगातार आंसुओं से झरझर बह रही थी। इस अपमान का आज मदन जी को बहुत बड़ा झटका लगा था और उनकी तबीयत खराब हो गई। देर रात घर लौटे बेटे बहू तमतमाता हुआ बेटा बोला, बाबूजी, किसी ने झूठ मूठ का पूछ क्या लिया? आप तो सचमुच ही भुक्कड़ की तरह पार्टी में पहुंच गए। अरे, अपनी औकात देखी भी है या नहीं? बहू का अपमान क्या कम था कि अब बेटे ने भी उनके दिल को छलनी छलनी कर दिया था। बेचारों ने पूरी रात आंसू के गम में डूबते हुए बिता दी और अगली सुबह मदन जी को हल्का सा बुखार था, लेकिन बहू ने जबरदस्ती उन्हें घर से निकाल दिया कि जब तक पैसे कमा कर नहीं लाएंगे, खाने को एक अन्न का दाना भी नहीं मिलेगा। मदन जी अभी काम के लिए घर से निकले ही थे कि तभी अचानक, बुढ़े दिखाई नहीं देता तुझे, मेरे बेटे को चोट लग जाती, अंधा है क्या? जब काम ढंग से नहीं होता तो करता ही क्यों है? अपने घर में पड़ा रह चुपचाप। साहब, माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, 2 दिन से भूखा और बीमार हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है। मदन जी अपने कांपते हाथों से उस आदमी से माफी मांगते हुए बोले, बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत की तुम उससे जुबान लड़ाए? इतना कहते हुए उसने 2 तमाचे बेचारे मदन जी में रख दिए और गुस्सा कर बोला, शुक्र मना कि तू विजय के घर का नौकर है, वरना तुझे अभी विजय के घर के दूसरे दरवाजे से लेकर गाड़ी निकला तो मदन जी बेटे को देखकर नम आंखों से उसके पास आकर हाथ जोड़कर बोले, बेटा, देखो, यह सब मुझे तुम्हारे घर का नौकर समझकर मार रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम इन लोगों को बताओ कि मैं नौकर नहीं, तुम्हारा पिता हूँ। बेटा झट से मुस्कुराता हुआ बोला, बुड्ढे, रात की नींद अभी उतरी नहीं क्या? खबरदार, जो मुझसे बेटे का रिश्ता जोड़ा तो एक तो तरस खाकर तुझे और तेरी पत्नी को घर में रखा और नौकरी दिलवाई 2 कौड़ी का ड्राइवर कहीं का। बेटा, ऐसा मत कहो, मदन जी गिड़गिड़ाते हुए बोले, बुड्ढे, दूर हट, मुझसे किसका बेटा और कौन सा बेटा? मेरे माँ बाप तो बचपन में ही मर चुके हैं, चल हट यहाँ से, कितनी बदबू आ रही है तेरे कपड़ों से। ज्यादा बोला तो तुझे और तेरी पत्नी को भी घर से निकाल दूंगा। इतना कहकर बेटे ने पिता को दूर धक्का दिया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। बेटे की बातें सुनकर सड़क पर पड़े मदन जी अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोने लगे। तभी उनकी पत्नी कुछ शोर सुनकर अंदर से बाहर आई, मदन जी को जमीन से उठाया और सबसे माफी मांगते हुए बोली, साहब, माफ कर दो, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। निर्मला जी के विनती करने पर वे सभी वहां से अपने अपने बच्चों को लेकर चले गए। निर्मला जी मदन जी को सहारा देकर घर ले आई और उनसे बोली, देखो, मैंने आपके खाने और दवाइयों का इंतजाम कर दिया है, लीजिए, थोड़ा खाना खाकर दवाई ले लीजिए। मदन जी बोले, निर्मला,
आज मेरे ही बेटे ने अपने पिता को पहचानने से इनकार कर दिया। यह वही बेटा है जिसको मैं जमीन पर कदम भी नहीं रखने देता था, और आज जब लोग मुझे मार रहे थे तो इसका दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला। इतना अपमान मुझसे अब और नहीं सहा जाता, इससे अच्छा तो हम मर ही जाते। इतना कहकर मदन जी फूट फूट कर रोने लगे। अभी कुछ दिन पहले ही मदन जी और निर्मला जी अपने बेटे के पास आए थे, तो बेटे ने आते ही अपना फरमान सुना दिया। बाबूजी, आपसे एक बात कहूँगा, बुरा मत मानिए, बस घर के बाहर या किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप लोग मेरे माता पिता हैं। बड़े बड़े शहरों में यह दिखावा करना पड़ता है, क्योंकि आपका रहन सहन हम लोगों से बिल्कुल अलग है। जब आप यहाँ के माहौल में ढल जाएंगे तो अच्छा समय देखकर हम खुद ही सबको बता देंगे, तब तक अपने मुंह पर ताला लगाएं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? विनय अपने पिता मदन जी से कहता है। मदन जी बोले, ऐसा क्यों बेटा? क्या गरीब माँ बाप के बच्चे शहर में आकर नहीं रहते? रामलाल जी का बेटा भी अपने माँ बाप को विदेश ले गया था, उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। और क्या हम पूरे दिन घर में बंद रहेंगे? इससे अच्छे तो हम अपने शहर में ही रहते। अरे मैं भी अध्यापक की नौकरी करता था, मेरी भी वहाँ इज्जत थी, तुम हमें यहाँ क्या जेल में बंद करके रखना चाहते हो? वहीं मदन जी की पत्नी निर्मला जी बैठी थी, वह बोली, विनय के बाबूजी, उसके कहने का मतलब यह नहीं था, बच्चा है, उसकी बातों पर क्यों आप इतना ध्यान देते हैं? और विनय, तुम्हारे बाबूजी तो जाने माने अध्यापक थे, फिर तुम्हें अपने दोस्तों से बाबूजी को मिलवाने में क्या ही परहेज है? मैं तो बहू की काम में मदद कर दिया करूंगी, तो मेरा समय कट जाएगा, पर इनका क्या? तभी विनय की पत्नी प्रीति आई और बोली, हमने उसका भी इंतजाम कर दिया है मम्मी जी, हमारे बगल में बहुत सारे बच्चे हैं, उनको लेने के लिए एक बस आती है। कुछ दिन पहले बस कंडक्टर की मौत हो गई थी, बेचारा बूढ़ा था, अब उसकी जगह लोग किसी आदमी को ढूंढ रहे हैं, तो हमने बाबूजी के लिए बात कर ली है, वह आराम से बच्चों के साथ बस में जाएंगे और फिर लौट कर आएंगे, उनका समय भी कट जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मदन जी बोले, क्यों बहू, क्या लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ? प्रीति हंसकर बोली, बाबूजी, मैंने पहले ही यहाँ सबको बता दिया है कि हमारे ससुर के यहाँ आपका बेटा काम करता था, तो वह आप लोग को छोड़कर विदेश चला गया है, तो हमने आपने आपके घर में आश्रय दिया है। विनय बोला, बाबूजी, बस थोड़े दिन की बात है, कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद हम अपना घर दूसरी सोसाइटी में ले लेंगे, वहाँ आप अपने तरीके से आराम से रह सकते हैं, और वैसे भी घर में तो आप लोग हमारे माता पिता ही हैं, घर के बाहर कौन क्या काम करता है इससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा? बस हमें अपनी पहचान छुपानी होगी, वरना सोसाइटी में लोग गेस्ट को ज़्यादा दिन रहने भी नहीं देते हैं, तो अगर मैं आपके साथ में रहूँगा तो कुछ ना कुछ बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। क्यों माँ, क्या आप हमारे साथ नहीं रहना चाहती? निर्मला जी बोली, सुनिए जी, क्या फर्क पड़ता है, घर में तो यह हमारे बेटे बहू ही हैं, थोड़े दिन काम करके देख लीजिए, अगर आपका मन लग जाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। बच्चों की बात मानने में क्या ही हर्ज है? विनय और प्रीति मुस्कुरा कर वहां से चले गए, तो मदन जी निर्मला जी से बोले, निर्मला, मुझे यह कुछ ठीक नहीं लग रहा है। विनय तो यह कहकर लाया था कि बहू की गृहस्थी बसाने में वह तुमसे मदद चाहता है, फिर मुझे काम पर क्यों लगाना चाह रहा है? इतना कहकर चिंतित मुद्रा में मदन जी अपने कमरे में चले गए। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मदन जी को सामने के दरवाजे से निकलने की सख्त मनाही थी, ताकि आस पड़ोस के लोग उन्हें देखें ना,
वह पिछले दरवाजे से निकलते थे तो प्रीति पड़ोसियों से कहती थी, उन्हें हमने एक कमरा दे दिया है और आने जाने के लिए पीछे का रास्ता दिया है। पड़ोस के लोग कहते, आप लोग कितने दयालु हैं, आपकी वजह से हम लोग भी निश्चिंत हैं, भरोसे का कंडक्टर मिल गया और आपको भी फुल टाइम मेड मिल गई। जैसे जैसे समय बीतने लगा, विनय और प्रीति पूरे घर की जिम्मेदारी मदन जी और निर्मला जी पर छोड़ने लगे। दोनों बुजुर्ग यह सोचकर अपने बेटे बहू के पास आए थे कि बच्चों के साथ समय बिताएंगे और दुख सुख बांटेंगे, पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। एक रोज विनय अपने ऑफिस के लिए सामने के दरवाजे से निकला और वहीं मदन जी पिछले दरवाजे से निकले। तभी एक बच्चे के अभिभावक ने मदन जी को देखकर कहा, अबे ओ बुड्ढे, यह मत सोचना कि विनय जी के घर में रहते हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। कल मेरा बेटा बैग खुद उठाकर बस में चढ़ रहा था, तुमसे इतना भी नहीं हो पाया कि बच्चों का बैग उठा ले, पैसा क्या हम तुम्हें मुफ्त में देते हैं? मदन जी विनय की तरफ देखने लगे। विनय ने अनसुना किया तो मदन जी कुछ कहते उससे पहले ही दूसरे अभिभावक ने उन्हें एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, एक काम तो ठीक से करते नहीं हो, ऊपर से बहस भी करते हो। तुम जैसे बूढ़े लोगों की यही प्रॉब्लम है, एक तो इतनी उम्र में इनको काम दो, ऊपर से इन्हें इज्जत भी चाहिए। हम जैसा कहते हैं वैसा करो, वरना तुम्हारी कंप्लेन विनय जी से अगर कर देंगे तो नौकरी भी चली जाएगी, और जो उनके घर में ठाट से रह रहे हो ना, वह भी छूट जाएगा। मदन जी बेटे से बार बार बोलने के लिए कह रहे थे, पर वह उन्हें धक्का देकर वहां से चला गया था। तो बड़ी मुश्किल से निर्मला जी ने आकर सारा मामला संभाला और लोगों से माफी मांगी। घर आकर वह बहुत रोए। मदन जी अपने गाल पर हाथ रखकर सोचने लगे कि आखिर बेटे बहू ने यह कैसी स्थिति में उन्हें डाल दिया। पूरे दिन धूप में बस के आसपास वह घूमते रहते थे। एक दिन उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी तो दो पल के लिए बस की छाया में वह बैठ गए। तभी ड्राइवर आया और उन पर चिल्लाया, अबे बुड्ढे, यहाँ तुम्हें आराम करने के लिए नहीं बुलाया गया है, जल्दी से बस पर पानी मारो और सफाई करो, मैं थोड़ा तब तक सुस्ता कर आता हूँ, तब तक पूरी बस चमक जानी चाहिए, वरना तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। बेचारे मदन जी बाल्टी में पानी भर भर कर लाते और बस को साफ करते। एक रोज उन्होंने बस ड्राइवर से कहा कि बस को साफ करने वाला गमछा फट गया है, कोई नया कपड़ा दे दीजिए। बस ड्राइवर ने वहीं बस की अगली सीट पर रखा हुआ मदन जी का नया कुर्ता लिया और बीच से फाड़ते हुए बोला, यह कुर्ता किस दिन काम आएगा बुड्ढे, इसे साफ कर। स्कूल वाले ने तुम्हें यूनिफॉर्म दी है तो फिर कुर्ता पहनकर कहां के बाबू साहब बनोगे। आसपास में खड़े सभी बस ड्राइवर और कंडक्टर मदन जी पर हंसने लगे और मदन जी की आंखें भर आईं। इधर निर्मला जी पूरे घर का काम करती और जब थक कर बैठ जाती तो प्रीति तमक कर कहती, मम्मी जी जब देखो आप आराम ही करती रहती हैं, पता है आपको शहर में जिंदगी बिताना कितना कठिन है, खाली बैठी रहती हैं, कम से कम जाले वाले ही साफ कर लिया कीजिए। और हाँ, आज हम रात से देर आएंगे, दोपहर की खिचड़ी बची हुई है, आप लोग वही खा लीजिएगा। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा और लगभग 3 महीने हो गए तो अब मदन जी से सहना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बेटा बहू तो अपना काम उनसे करवाते ही थे। आज आस पड़ोस के लोग भी उन्हें कंडक्टर समझकर अपनी सब्जी भाजी भी मदन जी से ही मंगवाने लगे थे। इधर निर्मला जी परेशान हो रही थी क्योंकि बेटे बहू अक्सर देर रात बाहर से
घर लौटकर आते थे और वह दोनों पूरे दिन घर में अकेले रहते क्योंकि घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। तो वह घर पर उनके लिए घर नहीं बल्कि जेल हो गया था। एक रोज रात के 1:30 बजे दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर बुजुर्ग निर्मला जी ने दरवाजे की ओर देखा तो सामने बेटा विनय और प्रीति अंदर की ओर आ रहे थे। उस दिन निर्मला जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, यह क्या लगा रखा है तुम दोनों ने, हर रोज देर रात की पार्टी से लौटना। मैं बूढ़ी यहाँ सारा दिन सारा काम करती रहती हूँ और तुम लोग, तुम्हारे बाबूजी को भी बाहर का काम और सब्जी दूध लाना पड़ता है। मैं कुछ कहती नहीं थी कि हो जाता है कभी कभार, मगर तुम दोनों ने तो हद ही कर दी है। बेटा थोड़ी तो शर्म करो, तुम दोनों आखिर हम भी तुम्हारे माता पिता हैं। विनय घूरते हुए निर्मला जी को देखा, फिर प्रीति को देखा तो प्रीति का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ लग रहा था। उसने हंसकर प्रीति को बोला, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ, और अपनी माँ को गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, माँ देख रही हो, हम बाहर से आ रहे हैं, फिर भी इस तरह हमें चिल्ला कर बात कर रही हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई। मैं अभी जाता हूँ, पर इस विषय पर हम सुबह बात जरूर करेंगे। इतना कहकर वह वहां से चला गया। कमरे में प्रीति विनय से बोली, बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारी माँ की बकवास अब नहीं सुन सकती, तुम्हें यह सब अच्छा लगता है। उसके कमरे से आवाज आने लगी। विनय बोला, जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने, अब मेरे लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल है, कुछ तो करना पड़ेगा। अब पानी सिर से ऊपर निकलने लगा है। बगल वाले कमरे के दरवाजे पर खड़े मदन जी के कानों में जब यह शब्द पड़े तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गुस्से से तमतमाते हुए कमरे के अंदर आए, निर्मला जी को देखते हुए बड़बड़ाने लगे। अब कहो निर्मला, क्या तुम्हारा बेटा अभी भी बच्चा ही है? अपना सामान समेटो, हम इस घर में अब और नहीं रहेंगे। बहुत अपमान सह लिया हम लोगों ने, कितने बड़े बड़े सपने दिखा कर लाया था और यहाँ बस कंडक्टर बना कर रख दिया है मुझे। जिस बेटे को हम जमीन पर पांव भी नहीं रखने देते थे, वह मुझसे गाड़ी साफ करवाता है। निर्मला, तुम्हें बता नहीं सकता मैं कैसी कैसी बेइज्जती से गुजरा हूँ। एक बार तो जी में आया कि अपना जीवन खत्म कर दूं, फिर तुम्हारा ख्याल आया कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। यह कहते कहते मदन जी की आंखें भर आई तो निर्मला जी बोली, नहीं नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए आप, हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे, आप हैं तो मेरे लिए सब कुछ है, अब मैं आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो इतना कहकर दोनों अपने कमरे में चले गए और पूरी रात उन्होंने आंखों में आंसू लिए काट दी, मानो नींद भी उनसे रूठ गई हो। अगले दिन अपना सामान समेट कर जैसे ही वे बेटे के सामने उपस्थित हुए, प्रीति धीरे से विनय के बोली, चलो अच्छा है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, यह चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। विनय ने भूमिका बांधी और बोला, क्या बात है बाबूजी, आप सामान क्यों समेट कर खड़े हैं, क्या कहीं जा रहे हैं? मदन जी बोले, हाँ बेटा, अब हमारा यहाँ से मन ऊब गया है, मैं ऐसे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था जैसा मैंने 3 महीने में जिया है। हम हमेशा अच्छे कर्म करता आया है ताकि वे फल तुम्हें मिले। एक बात कहूँ बेटा, जैसा कर्म करोगे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा, और हर किसी को अपनी करनी का फल आज नहीं तो कल मिलता ही है। पर मैं नहीं चाहता कि लालच में तुम कोई भी ऐसा काम करो जिसका फल तुम्हें बहुत कड़वा लगे। तो प्रीति झट से बोली, अरे मम्मी जी जा रही हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, मैं एक कप चाय बना देती हूँ।
पीकर जाइएगा। निर्मला जी बोली, नहीं बहू, बहुत कर ली तुम्हें मेरी सेवा, मेरे हाथ पर अभी चलने लायक हैं, अब अपने घर जाकर ही चाय पियेंगे, चलिए जी। इतना कहकर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े और निकल गए घर से बाहर। विनय और प्रीति ने एक बार भी उन्हें रोका तक नहीं था और ना ही यह कहा कि हम आपको बस अड्डे तक छोड़ देते हैं। दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचे और अपने घर को साफ सुथरा करके फिर से रहने लगे। कई महीनों तक विनय और प्रीति ने उनका हालचाल भी नहीं पूछा। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। निर्मला जी देखी और बोली, सुनो जी, कोई बाहर खड़ा है काफी देर से, तो देख कर आओ तुम ही, कौन है? चश्मा उतारते हुए मदन जी बोले, घंटी तो बजा नहीं रहा, तभी मैं गई, कहीं चोरी करने की फेर में तो नहीं है? तभी ताका झांकी कर रहा हो, बस घर की तरफ ही घूर रहा है। चलो ठीक है, मैं देख कर आती हूँ। फिर आटे सने हाथों से निर्मला जी बाहर आई। बाहर यही कोई 25 साल का लड़का खड़ा था, सांवले रंग का लंबा जींस जैकेट पहने, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत ही आकर्षक लग रहा था। वह लड़का, आपको किसके घर जाना है? लेकिन निर्मला जी ने पूछा, बहुत देर से खड़े हो यहाँ। निर्मला जी फिर से उस किशोर लड़के से बोली, जी क्या मदन सर रिटायर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विशनपुर बनारस यहीं रहते हैं? वो लड़का आत्मविश्वास से बोला। लड़के के मुंह से अंग्रेजी के शब्द सुनकर निर्मला जी इतना तो निश्चिंत हो गए कि यह कोई चोर नहीं है। हाँ बेटा, यहीं रहते हैं, पर आप कौन हो बेटा? आपको पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। यह सुनकर कि यहीं रहते हैं, मदन सर उस लड़के की आंखों में एक चमक सी आ गई। जी आप उन सर को बुला दें तो बहुत अच्छा होगा, शायद वह मुझे देखकर पहचान जाए। बेटा तुम अंदर आकर बैठ जाओ। जी नहीं आंटी, पहले मैं सर से मिल लूं, यहीं खड़ा हूं। तभी अंदर से निर्मला जी ने मदन जी से बताया कि कोई लड़का आपको बुला रहा है, नाम क्या है उसका? मदन जी बोले, चलो छोड़ो, मैं ही जाता हूँ देखने। मदन जी मफलर सर पर बांधते हुए बाहर आए। उन्होंने अपना चश्मा ऊपर करके उस लड़के को निहारा। बेटा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? सर मैं पहचान गया हूँ आपको। उसकी खुशी के सामने मदन जी को देखकर कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने आगे बढ़कर मदन जी के चरण स्पर्श किए। सर मेरी इतनी दूर आने की मेहनत आखिर सफल हुई, मैं अभी भी नहीं पहचाना बेटा कि तुम कौन हो। जी मैं कमलनाथ का बेटा हूँ, जब आप बरेली में पोस्टेड थे उसी स्कूल में मेरे पिताजी सफाई कर रहे थे, मैं भी वहीं पढ़ता था। अरे राज तू, बस बस अब कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, आजा चल अंदर चल। राज का हाथ पकड़कर मदन जी अंदर ले गए। उन्होंने निर्मला जी से बोला, निर्मला चाय नाश्ता लेकर आओ, राज आया है, फिर खाने की तैयारी भी करो, बहुत दूर से आया है मेरा बेटा। जी बनाती हूँ। राज इतनी दूर से तू कैसे आया? बरेली के बाद तो मेरा ट्रांसफर कई जगह हुआ, और कमलनाथ और भाभी जी कैसे हैं दोनों? उस समय फोन भी नहीं थे कि संपर्क बना पाते, कई बार सोचा आने को पर जिम्मेदारियों से फुर्सत ही नहीं मिली। सर बरेली से पता चला आप मेरठ गए हैं, मेरठ से पता चला जौनपुर, जौनपुर से पता चला बनारस, और बनारस से पता चला कि आप रिटायर होकर अपने यहाँ घर पर रह रहे हैं, बस सब जगह पता करते करते पहुंच गया सर। इस पर मदन जी की आंखें नम हो गईं कि राज ने उन्हें ढूंढने के लिए इतनी मेहनत की। पापा को गए हुए तो सर 7 साल हो गए हैं, माँ है अभी तक, वह सफाई का काम कर रही थी उसी स्कूल में।
पर अभी एक साल पहले मैं बैंक में मैनेजर बन गया हूँ, तो सबसे पहले आपके पास आया हूँ। यह लीजिए सर आपके लड्डू, और यह मेरी तरफ से 40 लाख का चेक। अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। राज ने पैसे मदन की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ बेटा, तू मुझे क्यों दे रहा है? सर आप जैसे बड़े लोग हम गरीबों पर उपकार करके कैसे भूल जाते हैं, पर हम नहीं भूलते। अपने पापा को मेरी आगे की पढ़ाई के लिए 10 लाख दिए थे। आप जल्दबाजी में सबसे मिले बिना चले गए थे, पर पापा को अंत समय तक यह आपका उपहार याद रहा। यह पैसे मेरे लिए अनमोल थे, इसी से मैं आगे की पढ़ाई जारी रख पाया। अब समय आया है इस कर्ज को चुकाने का सर, प्लीज रख लीजिए, नहीं तो पापा को क्या जवाब दूंगा मैं। मदन जी ने राज को कस के गले लगा लिया। धन है कमलनाथ तू, और धन है तेरी खुददारी। तुझे सत सत नमन मेरे दोस्त, और तेरे बेटे ने इतने दूर का सफर सिर्फ इन पैसों का कर्ज चुकाने के लिए। क्या नसीब से मिलते हैं राज जैसे बेटे। कमलनाथ होता तो उससे लड़ जाता। कहा था उससे कि राज मेरा भी बेटा है, पर वह नहीं ना रहने पर प्रसाद समझ कर यह पैसे लख ले रहा हूँ। निर्मला जी तब तक चाय नाश्ता लेकर आ गई। राज सुबह का भूखा बड़े मन से खाने लगा। वह निश्चिंत जो हो गया था अपने पिता का कर्ज चुका कर। उसने एक लाचार माँ बाप की भी मदद की है। सर अगर आगे भी जरूरत होगी तो मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। यह मेरा नंबर है, आपको जब किसी भी चीज की जरूरत पड़े आप बेझिझक इस बेटे को फोन कर देना। इतना कहकर वह मदन जी के गले लगकर और निर्मला जी के पैर छूकर वहां से चला गया, और दोनों की ही आंखें राज को देखकर भर आई थी। आज फिर से प्रीति के मम्मी पापा के घर पार्टी थी, और उन्हें बुलाया भी गया था। तो अभी पार्टी शुरू हुई ही थी कि निर्मला जी और मदन जी की कार पार्टी के गेट के आगे आकर रुकी, और जैसे ही विनय और प्रीति की नजर जब कार पर पड़ी तो दोनों हैरान थे। तभी निर्मला जी और मदन जी अपनी कार से निकले तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मदन जी आज सूट बूट में और निर्मला जी अपनी चमचमाती महंगी साड़ी में थी। उन्होंने उस 40 लाख के चेक से पहले अपने लिए एक 20 लाख की कार खरीदी, जो कि उनका कब से सपना थी, लेकिन बेटे के कारण अपना कोई सपना पूरा नहीं कर पाए थे, और अपने लिए अच्छे कपड़े भी खरीदे। मदन जी ने आगे बढ़कर अपने समधी जी को शादी की सालगिरह की बधाई दी, और कम से कम 20,000 का तोहफा उनके हाथ में पकड़ाते हुए उन्हें कांग्रेचुलेशंस बोला। विनय और प्रीति की आंखें फटी की फटी रह गईं कि इन दोनों भिखारियों के दिन कैसे बदल गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे और कब हुआ। पूरी पार्टी में दोनों निर्मला जी और मदन जी को निहारते रहे। दोनों पार्टी खत्म हुई तो सबसे विदा लेकर अपने घर वापस आ चुके थे, लेकिन उधर विनय और प्रीति सोच सोच कर परेशान हो चुके थे कि यह सब कैसे हो गया। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक विनय की कंपनी में कुछ घोटाला हुआ, जिसकी वजह से विनय को नौकरी से निकाल दिया गया। तब उसे अपने पिता की याद आई, और वह पत्नी के साथ उस छोटे शहर में फिर से वापस आ गया, और वहीं किसी कंपनी को ज्वाइन करके माता पिता के साथ रहने लगा। निर्मला जी के कहने पर मदन जी ने विनय से उस वक्त कुछ नहीं कहा कि आखिर बेटा था, घर से निकाल तो सकते नहीं, फिर पिता और पुत्र में ही क्या अंतर रह जाता। धीरे धीरे उस घर में प्रीति ने अपने पांव पसारने शुरू किए, और विनय भी खुद को उस घर का मालिक ही समझने लगा था। सारे घर की जिम्मेदारी निर्मला जी के कंधों पर छोड़कर प्रीति हमेशा घूमने फिरने में लगी रहती। मदन जी ने कई बार
निर्मला जी को समझाया, पर पुत्र मोह में फिर से वह बह गई। एक रोज बेटे बहू आपस में बातें कर रहे थे। प्रीति कह रही थी, सुनो जी, आपको नहीं लगता मम्मी जी का कमरा अब हमारा होना चाहिए? आखिर इस कमरे में वह बड़े आराम में रहकर क्या करेंगी? मैं तो कहती हूँ बरामदे पर जो कमरा है उन्हें उस कमरे में रहने के लिए कहो। इतने अच्छे घर में पुराना सामान अच्छा नहीं लगता तो पुराने लोग अच्छे क्यों लगेंगे? विनय पत्नी की बातों पर हंस रहा था और दोनों ने ध्यान ही नहीं दिया था कि बगल का कमरा ही माता पिता का है। दोनों ने जब बच्चों की बातें सुनी तो निर्मला जी ने मदन जी से कहा, आप सही कहते थे जी कि ये बच्चे कभी सुधरने वाले नहीं हैं। मैं तो सोचती थी आज न कल यह समझ जाएंगे, मगर अब आप ही कुछ सटीक इलाज कीजिए, मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता। जब देखो दोनों उल्टा सीधा हमें सुना देते हैं, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? मदन जी बोले, इलाज तो है निर्मला, मगर अब तक तुमने मेरे हाथ बांधे रखे थे। खैर कल ही इस बीमारी का इलाज हो जाएगा, बस तुम अपने मन को कठोर बनाना, पिघलना मत। अगर स्वाभिमान और सम्मान से अपनी आखिरी सांस लेना चाहती हो तो मैंने निर्णय में साथ रहना। सुबह होते ही मदन जी ने विनय और प्रीति को कमरे में आने का आदेश दिया। जैसे ही दोनों मदन जी के कमरे में पहुंचे, मदन जी ने निर्मला जी से कहा, निर्मला मैंने सोचा था उस कागज की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर तुम वो कोर्ट का कागज निकाल कर तो लाओ। विनय बोला, कागज? कैसा कागज बाबूजी? प्रीति तीखे स्वर में बोली, मम्मी जी पापा जी जो करना है जल्दी कीजिए, मुझे जिम जाने में देर हो रही है। मदन जी अपनी कुर्सी से उठे और बोले, बस जरा सा वक्त दो बहू, तुम्हारे साथ यह हो पाएगा। इतना कहकर वह लाकर से पेपर निकालते हुए कुर्सी पर बैठ गए और चश्मा लगाकर पढ़ने लगे। यह कोर्ट के एग्रीमेंट के पेपर हैं। विनय तुम्हें याद होगा, तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर जब तुमने सबसे महंगी वाली बाइक मुझसे मांगी थी, तब मैं तुमसे यह पेपर साइन करवाए थे और तुमने भी हंसते हुए अपनी सहमति जताई थी, याद आया? प्रीति बोली, ऐसे पेपर पर कौन साइन करवाता है पापा जी? वही विनय सोच रहा था कि कब उसने इस पेपर पर साइन किया था। तो प्रीति बोली, आखिर इसमें क्या लिखा है, कोई बताएगा भी? अब मदन जी अपनी बुलंद आवाज में बोले, इसमें लिखा है कि विनय को अब जीवन भर हमारी देखभाल पूरे प्यार और सम्मान के साथ इसी घर में रहते हुए शादी के बाद भी इसे करनी होगी, और किसी भी परिस्थिति में तुम अपने इस फर्ज से मुंह मोड़ते हो तो हमारी संपत्ति पर तुम दोनों में से किसी का कोई भी अधिकार नहीं रह जाएगा। और इतना ही नहीं, विनय के पढ़ाई लिखाई में जो भी खर्चा हमने किया है वो भी उसे ब्याज के साथ चुकाना होगा, तभी वह यहाँ से जा पाएगा। पेपर पढ़कर मदन जी ने पेपर की फोटोकॉपी प्रीति के हाथ में थमा दी और कहा, बहू अभी जिम जाने में देरी हो रही थी ना तुम्हें, तो हो जाओ जिम, फिर आराम से इसे पढ़ लेना। प्रीति के तो इतना सुनते ही होश उड़ गए थे, बिना जिम गए ही पसीना आ रहा था उसे। विनय बोला, मगर बाबूजी, माँ आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब है, मैं कैसे इतना पैसा और कहाँ से लाऊंगा? मदन जी बोले, क्यों, तुम लोग तो इतने परेशान हो गए थे ना, और याद है जब हम तुम्हारे घर से लौट कर आए थे उस रात तुम क्या बातें कर रहे थे कि पानी सर से ऊपर हो गया है, कुछ करना पड़ेगा, और क्या क्या कह रहे थे तुम दोनों? विनय प्रीति की तरफ देखकर बोला, बाबूजी वह तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे। प्रीति बोली, पापा जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, आप तो बड़े हैं, आप हमें माफ कर सकते हैं। मदन जी बोले, बेटा जख्म जब लाइलाज हो जाए तो उसका इलाज जरूरी हो जाता है,
यह बात तो कोई मूर्ख भी कह सकता है। अगर आगे से जिम्मेदारी और सावधानी बरतने का वादा करो तो कुछ समय मैं तुम लोगों को दे सकता हूँ। प्रीति मुंह बनाते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं पापा जी, साफ साफ कहिए ना। मदन जी बोले, हाँ बहू, मैं उसी पर ही आ रहा हूँ। जैसा कि आज से बल्कि अभी से रसोई घर तुम्हारे जिम्मे और बाहर के सामान वगैरह की जिम्मेदारी विनय की होगी। हाँ, यदि तुम दोनों अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगोगे तो हम दोनों भी तुम्हारी मदद करते रहेंगे। वरना एक और वसीयत तैयार की है जिसमें हमारे बाद यह सब अनाथ आश्रम को चला जाएगा। विनय और प्रीति झट से बोले, नहीं पापा जी, हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं दोहराएंगे। यह हमारी पहली और आखिरी गलती समझकर हमें माफ कर दीजिए। मदन जी बोले, ठीक है तो शुरू हो जाओ, हम तुमसे वैसा काम नहीं करवाएंगे जैसा तुम लोगों ने हमसे करवाया था। बेटा विनय, करने का फल आज नहीं तो कल मिलता ही है। मैंने तो तुम्हें इतने में ही माफ कर दिया, पर पता नहीं उस ऊपर वाले ने अपने खाते में तुम्हारे लिए कितनी सजा लिखी है। बेटा, आजकल के बच्चे अपना मतलब निकल जाने के बाद माँ बाप के सुख का हिसाब रखते हैं, पर एक बात याद रखो, माँ बाप सुख का तो नहीं पर दुख का हिसाब अब जरूर रखते हैं। यह बात तुम लोगों ने ही हमें सीखने पर मजबूर किया है। विनय और प्रीति तुरंत वहां से निकल गए। प्रीति रसोई की ओर निकली और नाश्ता बनाने की तैयारी में जुट गई। वहीं विनय थैला लेकर दूध लाने के लिए निकल गया। मदन जी भौहों को हिलाकर मुस्कुराते हुए निर्मला जी की ओर देख रहे थे। वहीं निर्मला जी भी मुस्कुराने लगी थी कि आखिर देर से ही सही, आज उनके बच्चों की हकीकत का सटीक जवाब मिल गया। वह दिन और आज का दिन विनय समझ चुका था कि बाप आखिर बाप होता है। उनसे चलाकी और गद्दारी करकर कभी बच्चे फल फूल नहीं सकते। समय रहते उसे एहसास भी हो गया कि अगर उसके पिता ने यह कठोर कदम उठाया है तो उसके उज्जवल भविष्य के लिए ही, वरना उसके बच्चे भी आगे चलकर उसके साथ ऐसा ही करते। क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, और फिर करने का फल आज नहीं तो कल मिलता ही है, जो उसे मिल चुका था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।